हेलो एवरीवन तो चलिए आज का क्लास हम लोग कुछ सवाल के साथ स्टार्ट करें आपसे कुछ सवाल है और ये सवाल ये है कि क्या आप इंग्लिश से सच में परेशान रहते हैं क्या आपको वकैब याद ही नहीं होते क्या आप मैथ्स में इंग्लिश की तुलना में अच्छे हैं अगर ऐसा है अगर आप मैथ्स की तुलना में इंग्लिश की तुलना में मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो इसके पीछे का वजह ये है कि आप कभी मैथ्स में टाइम ज़रूर दिए होंगे मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे और आपको अब तक पता ही नहीं है कि इंग्लिश में वर्कआउट करें कैसे और इसमें कितना टाइम दिया जाए तो मैं इसी को सजेस्ट करते हुए एक वीडियो बनाया हूँ और उस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू लर्न वोकेबलरी आप कमेंट में जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में जाएं और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा वीडियो का हाउ टू लर्न वकैबलरी उसको आप लोग ज़रूर देखें उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे वोकैब को याद किए जाते हैं और मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ एक बात कि आप लोग डेली कम से कम सुबह एक घंटे शाम एक घंटे आप लोग ज़रूर इंग्लिश के पीछे दें अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो क्योंकि बिना प्रैक्टिस का बिना टाइम दिए अगर आप सोचेंगे कि आधा अधूरा पढ़ करके इंग्लिश ठीक कर लें तो ये बहुत ही मुश्किल है इसके लिए आपको बहुत वक्त देना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए निकालना पड़ेगा अगर मैथ्स में आप बहुत लोग तो मैथ्स में क्या करते हैं कि छः छः घंटे पढ़ते हैं आठ आठ घंटे सिर्फ मैथ्स पे देते हैं तो कम से कम इसका आधा टाइम तो लगाओ इंग्लिश पे अगर आप इंग्लिश में थोड़े से वीक हैं मैथ्स के तुलना में तो तो आपको वक्त देना ही होगा इंग्लिश के लिए और कोई चारा नहीं है और फ्रेजल वर्ब्स का जो याद करने का तरीका है बस एक ही तरीका है कि रिवीजन। रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस और बात मानिए आप लोग फ्रेजल वर्ब्स को किसी ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश ना करें वो बहुत ही मुश्किल में डाल देगा वो ट्रिक एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए कॉम्प्लेक्स साबित होगा तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं ये जो क्लास है इस बुक का जो फ्रेजल वर्ब्स दिया हुआ है उस फ्रेजल वर्ब्स के लिस्ट के लास्ट में कुछ स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हैं और ये फ्रेजल वर्ब्स कभी नाउन की तरह यूज होता है कभी वर्ब की तरह कभी एडजेक्टिव की तरह तो हम लोग देखेंगे इसी स्पेशल फ्रेजल वर्ब्स को तो चलिए देखिए क्या है फर्स्ट आपका आज का फ्रेजल वर्ब ये है आपका ब्रेक आउट एक ए वर्ड की तरह यूज़ हुआ है इसमें ब्रेक है और आउट है मतलब इसमें एक वर्ब है और दूसरा क्या है तो प्रीपोजिशन है इस तरह से इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं और एक साथ एक एक तो ये वर्ड बन गया तो ब्रेक आउट का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है एस्केप फ्रॉम प्रीजन ये नाउन की तरह यूज हुआ है तो ब्रेक आउट को नाउन की तरह यूज़ करेंगे और इसका अर्थ हुआ कि जेल से, जेल से पलायन जेल से पलायन पलायन कर जाना नहीं जेल से पलायन अगर जेल से पलायन कर जाना कहेंगे तो वो एक तरह का वर्ब हो जाएगा लेकिन ये है नाउन तो जेल से पलायन इसका ये अर्थ हुआ से पलायन ठीक है अब जरा देखिए यहाँ पर दिया है इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो क्या है द न्यूज़ ऑफ प्रिजन ब्रेक आउट हैज़ बीन कन्फर्म्ड इसका अर्थ ये हुआ कि जेल से पलायन का जो न्यूज़ है उसकी पुष्टि कर दी गई है अब इसका ब्रेक आउट का अर्थ याद रखेंगे जेल से पलायन नेक्स्ट है आपका आउट ब्रेक देख रहे हैं इसमें भी आउट था इसमें भी आउट है तो ये आउट पे दोनों वर्ड है तो आउट ब्रेक का क्या अर्थ है इसका अर्थ है बिगिनिंग और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है प्रकोप विस्फोट या फिर किसी चीज़ का फैलना बीमारी वगैरह का फैलना युद्ध का फैलना और दूसरा मीनिंग है शुरुआत अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में द आउट ब्रेक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वार प्रूव टू बी विल प्रूव टू बी अ यूनिवर्सल डिसास्टर इसका क्या अर्थ हुआ तो इसका अर्थ है कि थर्ड वर्ल्ड वार का शुरू होना एक विश्व स्तरीय विश्व स्तरीय यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक भी होता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरू होना एक विश्व स्तरीय सार्वभौमिक मुसीबत साबित होगा विल है तो होगा तो इसका ये अर्थ हुआ तो इसका अर्थ क्या बताया आउटब्रेक का शुरुआत होना विस्फोट होना फैलना प्रकोप आना अब ज़रा देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थर्ड वन ब्रेक डाउन ब्रेकडाउन है और ये तीनों की बात करें तो तीनों में क्या था आपका ब्रेक वर्ड है ना और ये फर्स्ट एंड सेकेंड में आउट था अब ब्रेकडाउन का क्या अर्थ है ब्रेकडाउन का अर्थ होता है ऑफ मशीनरी या फिर मेंटल कोलैप्स यहाँ पर टोटल ये पूरा नहीं लिखा है ऑफ मशीनरी से कहने का अर्थ है कि, कि किसी आ, मशीन का अचानक ख़राब हो जाना और फिर मेंटल कोलैप्स का अर्थ है कि मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से टूट जाना बिखर जाना तो डाउन का ये अर्थ है इसका एग्जाम्पल दिया है द ब्रेक डाउन ऑफ द कार डिलेड आवर डिपार्चर इसका मतलब क्या हुआ तो इसका अर्थ है कि अचानक जो ख़राब हो गया काम करना बंद कर दिया कार तो उसके वजह से क्या हो गया हमारा डिपार्चर डिले हो गया लेट हो गया हमारा प्रस्थान करने का समय लेट हो गया अब फोर्थ नंबर भी ब्रेक से है ये है ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू का अर्थ है कि बहुत बड़ी उपलब्धि पाना मेजर अचीवमेंट बहुत बड़ी उपलब्धि अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी ब्रेक थ्रू इन द निगोशिएसन्स इसमें दिया है इसका अर्थ क्या है कि उस बातचीत से निगोशिएसन का मतलब बातचीत या फिर समझौता उस बातचीत से असमझौता से कोई बड़ी उपलब्धि का कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा साइन मतलब कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहा अब जरा देखिए नेक्स्ट है ऑफ बीट ऑफ बीट का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है अनोखा बिल्कुल ही डिफरेंट बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़ अनोखा चीज़ यहाँ पर दिया है दे लाइक ऑफ बीट थीम्स ऑफ द नोवेल्स इसका अर्थ है वे नॉवेल्स के नॉवेल्स मतलब उपन्यास के अनोखे विषय वस्तु को पसंद करते हैं थीम्स का मतलब विषय वस्तु तो अनोखे विषय वस्तु को पसंद करते हैं ये अर्थ हुआ इसका तो ऑफ बीट का अर्थ याद रखें इसका मतलब होता है अनोखा नेक्स्ट है सिक्स नंबर आपका अप ब्रिंगिंग अप ब्रिंगिंग का अर्थ है लालन पानल किसी का पालन पोषण कैसे माहौल में हुआ है उस अर्थ में तो अप ब्रिंगिंग का अर्थ है लालन पालन तो ब्रिंगिंग अप ऑफ ए पर्सन मतलब कैसे एक पर्सन का परवरिश हुआ है तो परवरिश भी बोल सकते हैं इसको इसका एग्जांपल है हिज अप ब्रिंग अप ब्रिंगिंग हैज़ बीन वेरी सिंपल उसका जो परवरिश है वो बहुत ही साधारण तरीके से हुआ है नेक्स्ट आपका कॉलअप कॉलअप का अर्थ है असमन्स फॉर मिलिट्री सर्विस मतलब सैन्य से सेवा के लिए बुलावा अब इसका एग्जांपल दिया है ही अवॉयडिड कॉलप प्रिटेंडिंग इलनेस वह बीमार होने का बहाना करते हुए क्या किया टाल दिया अप को अप मतलब जो बुलाया आया था उसको मिलिट्री सर्विस करने का उस बुलावे को अवॉइड कर दिया टाल दिया ये बहाना करते हुए कि वो अभी बीमार बि, है नेक्स्ट है आपका आउटकम आउटकम का, का क्या अर्थ होता है तो इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मतलब किसी एक्शन का परिणाम यहाँ पर है एग्जाम्पल वी आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटकम ऑफ द मीटिंग हम लोग मीटिंग के परिणाम के बारे में बिल्कुल ही अवगत नहीं है बिल्कुल ही अवेयर नहीं है नाइन्थ नंबर है ओवरकम ओवरकम का अर्थ है कि सॉल्व प्रॉब्लम मतलब किसी समस्या को सॉल्व करना या फिर सक्सीड या फिर डिफीट एक शब्द में बोलें तो ओवरकम का अर्थ होता है किसी चीज़ से उबर पाना किसी चीज़ से निजात पाना यहाँ पर है हैव यू ओवरकम योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उस समस्या से वित्तीय समस्या से उबर पाए तो ये इसका अर्थ है ओवरकम का उबर पाना निजात पाना किसी समस्या से निजात पाना नेक्स्ट आपका टेंथ नंबर फॉल आउट फॉल आउट का क्या अर्थ होता है तो फॉल आउट का अर्थ होता है डिसस्ट्रस रेडियो एक्टिव डस्ट मतलब एक तरह से नाउन की तरह यूज़ हो रहा है ये अब जरा देखिए Uh, दूसरा सेंस इसका जो देता है वो बैड रिजल्ट के सेंस में मतलब बहुत ही बुरा परिणाम के सेंस में फॉल आउट का मीनिंग होता है इसका एग्जाम्पल दिया है द फॉल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब जो बुरा असर है बुरा परिणाम है किसका वैश्वीकरण का हैज़ नॉट प्रूव्ड अ ब्लेसिंग फॉर ए कॉमन मैन साधारण लोगों के लिए कोई आशीर्वाद की तरह काम नहीं हुआ है उसके लिए कोई ब्लेसिंग की तरह साबित नहीं हुआ है नेक्स्ट है आपका होल्ड अप होल्डअप का क्या अर्थ है तो होल्डअप का अर्थ है अटेम्प्ट फॉर रॉबरी मतलब है कि लूटपाट की कोशिश इसका यही अर्थ लगाएंगे कि होल्डअप का अर्थ है लूटपाट की कोशिश अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया द न्यूज़ ऑफ होल्डअप मतलब जो न्यूज़ था लूट पाट का जो न्यूज़ था उसने मेड अस टर्न आवर रूट तो उसने हमसे अपना रास्ता बदलने को मजबूर किया ये अर्थ हुआ इसका तो होल्डअप का मतलब है कि लूट पाट का जो न्यूज़ आया वो उसके वजह से हम लोगों ने अपना आ, रास्ता बदल लिया ये अर्थ है नेक्स्ट आपका ट्वेल्थ नंबर अप होल्ड अप होल्ड का क्या अर्थ है तो इसका मतलब है किसी को सपोर्ट करना सपोर्ट वाट इज राइट सपोर्ट करना मतलब समर्थन करना या फिर कन्फर्म किसी चीज़ को सपोर्ट समर्थन करना और इसका दूसरा सेंस होता है अपहोल्ड का बनाए रखने के सेंस में किसी चीज़ को बनाए रखना इसका जो एग्जाम्पल दिया है ये है वी शुड अप होल्ड द डिग्निटी ऑफ आवर प्रोफेशन मतलब ये हुआ इसका कि हमें अपने पेशे प्रोफेशन पेशे की गरिमा को बनाए रखना चाहिए नेक्स्ट क्या है आपका थर्टीन नंबर थर्टीन नंबर है अप कीप अप कीप का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है कि मरम्मत का जो लागत होता है किस चीज़ को मेंटेनेंस करते हैं रिपेयर करते हैं तो उसका लागत क्या है तो वही है मेंटेनेंस चार्ज बोल सकते हैं इसको तो अप कीप का अर्थ है मरम्मत का लागत अब इसका एग्जाम्पल दिया द अप कीप ऑफ माई ऑफिस कॉस्ट्स मी अ लॉट दिस डेज मतलब ये है कि आजकल मेरे ऑफिस के मरम्मत का जो लागत है मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा है ये इसका अर्थ हुआ फोर्टीन नंबर है आउटलेट आउटलेट का क्या अर्थ है तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है अ प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स अ प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स का मतलब है कि ये दुकान को बोल सकते हैं तो आउटलेट का मतलब एक तो होता है दुकान और दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है कि कोई ऐसा साधन या फिर कोई ऐसा साधन जिसके थ्रू क्या कर सकें कोई व्यक्ति अपने फीलिंग्स को रिलैक्स फील कर सकें अपने एनर्जी को वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाएँ तो बोल सकते हैं इसको एनर्जी स्पेंड करने की छूट तो ये भी होता है आउटलेट का मतलब है किसी को अपने एनर्जी एनर्जी मतलब क्या कोई तरह का फीलिंग्स इमोशन तो उसको इमोशन मतलब आ, अपना शेयर करने के लिए किसी तरह का छूट होना तो ये अर्थ मिल जाता है आउटलेट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है चिल्ड्रन मस्ट हैव आउटलेट टू स्पेंड दियर एनर्जी कहने का क्या अर्थ है तो बच्चों को आ, उसको उसके अपने एनर्जी को स्पेंड करने का एक तरह का छूट होना चाहिए तो आउटलेट का अर्थ यहाँ पर एनर्जी को एक्सप्रेस करने का छूट तो किस तरह का छूट उसे खेलने देने का वक्त देना चाहिए और उसे कई तरह के साधन देने चाहिए आ, माता पिता को ध्यान से सुनने चाहिए अपने बच्चों को जो भी बताना चाहते हैं तो उस तरीके का जो सुनना होता है एक तरह का क्या है तो एक तरह का आउटलेट है अब जरा देखिए फिफ्टी नंबर है लेआउट लेआउट का अर्थ है द वे अ बिल्डिंग और बुक इज प्लांट इसका सीधा सीधा मीनिंग है एक शब्द में बोलें तो नक्शा तो ले आउट का अर्थ होता है नक्शा अब जरा देखिए ही डजेंट लाइक ही डजेंट लाइक द ले आउट ऑफ दिस बिल्डिंग मतलब वह इस बिल्डिंग का uh, का जो नक्शा है उसको नहीं लाइक करता बिल्कुल ही लाइक नहीं करता अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे रिकैप सारे शब्दों का क्या देखेंगे रिकैप और आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा लास्ट के दो मिनट में ही आप वीडियो देखेंगे बाद में तो रिवाइज हो जाएगा अब जरा देखिए क्या है फर्स्ट नंबर है ब्रेकआउट फर्स्ट है ब्रेकआउट ब्रेकआउट का अर्थ है एस्केप फ्रॉम प्रिजन मतलब जेल से पलायन सेकेंड है आउट ब्रेक मतलब बिगिनिंग शुरुआत और फिर प्रकोप विस्फोट किसी चीज़ का फैलना भी फिर थर्ड नंबर है ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन का अर्थ है किसी मशीन का खराब हो जाना काम करना बंद कर देना और दूसरा है मेंटल कोलेप्स मतलब भावनात्मक का मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाना बिखर जाना फोर्थ नंबर है ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू का अर्थ है बहुत बड़ी उपलब्धि पाना फिफ्थ नंबर है ऑफ बीट ऑफ बीट का मतलब होता है कम्प्लीटली डिफरेंट या फिर अनयूजल चीज़ जो अनोखा हो तो ऑफ बीट का अर्थ है अनोखा नेक्स्ट है आपको अप ब्रिंगिंग अप ब्रिंगिंग का अर्थ है ब्रिंगिंग अप ऑफ ए पर्सन तो इसका मतलब है कि किसी का लालन पालन करना या फिर परवरिश इसको बोल सकते हैं परवरिश अप ब्रिंगिंग का मतलब परवरिश सेवेंथ नंबर है कॉल अप कॉल अप का मतलब है किसी को बुलावा भेजना किसी मिलिट्री सर्विस के लिए सैन्य सेवा के लिए एट नंबर है आउटकम आउटकम का मतलब रिजल्ट ऑफ एन एक्शन किसी का परिणाम नाइन्थ नंबर है ओवरकम मतलब किसी समस्या से निजात पाना और फिर सक्सीड कर सक्सीड कर जाना अपने मुसीबतियों मुसीबतों को डिफीट कर देना हरा देना टेंथ नंबर है फॉल आउट फॉल आउट का अर्थ है कि डेंजरस ड रेडियो एक्टिव डस्ट जो होते हैं उसको भी फॉल आउट बोला जाता है और दूसरा बहुत ही बुरे परिणाम को भी फॉल आउट बोलते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है होल्ड अप होल्ड अप का अर्थ है अटेम्प्ट फॉर रॉबरी मतलब लूटपाट की कोशिश ट्वेल्थ नंबर है अपहोल्ड अपहोल्ड का अर्थ है सपोर्ट और इज़ राइट मतलब किसी का समर्थन करना और दूसरा इसका क्या मीनिंग था तो दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ को बनाए रखना अब नेक्स्ट है आपका थर्टीन नंबर अपकीप कीप का अर्थ uh, है किसी uh, मरम्मत का लागत जो होता है उसको बोलते हैं अप फिर फोर्टीन नंबर आउटलेट आउटलेट का मतलब है कि कोई साधन होना एनर्जी स्पेंड करने की छूट होना या फिर दुकान छोटे दुकानों को भी बोलते हैं आउटलेट नेक्स्ट आपका फिफ्टी नंबर ले आउट ले आउट का अर्थ की कोई बिल्डिंग का कोई गार्डन वगैरह का जो प्लान होता है जो उसका नक्शा होता है मैप होता है उसको बोलते हैं ले तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रैपअप करते हैं थैंक यू वेरी मच